दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूते के माला पहनाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कभी जो ऐसा गुंडा राज नहीं होगा, साधारण लोग जीवन जीने का काम करेंगे। यदि हम आपको माला पहनाने का हम काम करने आए हैं। दुर्दांत अपराधी था, डर नहीं लग रहा है आपको? हमको कोई डर नहीं लग रहा है, मैं उमेश पाल का छोटा भाई हूँ, उनका मित्र हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। दिन दहाड़े मर जाऊंगा मगर डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हत्या की गई उमेश पाल की, राजू पाल की, आप जूतों की माला लेकर के आए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि ये दुर्दांत अपराधी है? इसके तमाम सारे शूटर्स हैं, इसके शूटर और अपराधी से मुझे कोई डर नहीं है। हमारे बड़ा भाई राजू पाल गया, उसके बाद उमेश पाल गया और पाल भी चला जाएगा, कोई कम नहीं है साथियों। इसका धोप इस तरीके से रहा कि सपा सरकार भी इनको पालती रही, अन्य सरकार इनको पालती रही, भाजपा पर हमें उम्मीद है इनको जो मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। आज हमारे अधिवक्ता भाई भी और पत्रकार साथियों से चाहूंगा कि आज ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये जूता पहनकर मिट्टी में मिले। हमें डर नहीं लगता है, जब ला रहा है लाया जा रहा है तो करेक्ट डर नहीं लगता है। अगर वो मुख से बोल रहा है उसके देखिए फेफड़े कांप रहे हैं, वो इतना डर रहा है, उसकी बहन भाई सभी डर रहे हैं कि इनको जो हत्या कर दी जाएगी, मगर ये सरकार गाड़ी नहीं पलटाएगी, ये सरकार इनको ऐसे मिट्टी में मिलाएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी जो है पटफने नहीं पाएगा। वरुण देवपाल अधिवक्ता जनपद इलाहाबाद। बचपन का जूता एक राजू पाल जी का है, एक उमेश पाल जी का है, ये पूरे परिवार यह जूता है, एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। यह अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है, और अशरफ को कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं, लड़ना सीखी है। वरुण देवपाल, हम चाहते हैं कि अतीक अहमद को जो जूता पहनकर अपनी सजा सुनता तो उनके परिवार को बड़ी खुशी होती है। जूता पहना हम यही दिखाना चाहते हैं, किसी अधिवक्ता या किसी को हत्या नहीं करेगा वो। अतीक के जहाँ जितने शूटर कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा राम पाल का नाती हूँ, कभी डरने का सीखा ही नहीं मैंने। सजा हो जाएगी जरूर, आज सजा होगी इनको जो है, आजीवन कारावास होगा, फांसी नहीं आजीवन कारावास होगी। वरुण देवपाल रुक जाए।